अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ख़रीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। हमने इस वीडियो को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करा हुआ है, स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड और लार्ज ब्रीड। तो सबसे पहले हम जिस ब्रीड की बात करेंगे वो है मीडियम ब्रीड। तो मीडियम ब्रीड में सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सबसे पहले डॉग्स आते हैं वो है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर और अमेरिकन बुली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैब्राडोर की। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग बाय कर रहे हो तो आप लैब्राडोर ले सकते हो। एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली है और इसका नेचर बहुत फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा डॉग है। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एक गोल्डन, एक ब्लैक और एक कॉफ़ी कलर। काफ़ी फ्रेंडली डॉग होता है, जल्दी से किसी पे अटैक नहीं करता, बहुत क्यूट डॉग होता है। आप मतलब मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड में सबसे मोस्ट कॉमनली आपको लैब्राडोर मिलेगा। बस इसमें एक प्रॉब्लम जो मैं बता सकता हूँ आपको, इसके थोड़े हेयर ज़्यादा गिरते हैं, थोड़े से हेयर गिरते हैं। तो आपके अगर सोफ़ा वगैरह है तो उस पर आपको हेयर मिलेंगे इसके। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग बाय कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जर्मन शेफर्ड ले लूँ, तो मैं आपको बिल्कुल जर्मन शेफर्ड रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि जर्मन शेफर्ड को कैसे रखना है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने डॉग बाय किया था, मैंने खुद जर्मन शेफर्ड बाय किया था और मेरा जर्मन शेफर्ड इतना एग्रेसिव हो चुका था कि वो मुझे कितने 2-3 बार मुझे काट चुका था और घर में मेरे मम्मी को भी भाई को भी काट चुका था। तो मैं जर्मन शेफर्ड आपको फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ले रहे हो तो आप जर्मन शेफर्ड ना लें, गार्ड डॉग है जर्मन शेफर्ड। अगर आप सेकंड थर्ड टाइम पाल रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे डॉग पालना है, क्योंकि डॉग थोड़ी बहुत जो गलती करता है उसको उस टाइम हमें डांटना होता है। अगर हम उसे नहीं डांटेंगे ना, तो एक टाइम पे आकर काफ़ी अग्रेसिव मूड ले लेगा। मेरा जर्मन शेफर्ड भी काफ़ी अग्रेसिव हो चुका था, अभी तक मैं बता रहा हूँ मेरे हाथ पे अभी तक उस डॉग के बाइट के निशान हैं। थर्ड जो ब्रीड है वो है रॉटवाइलर, जिसकी हम बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रॉटवाइलर ख़रीद रहे हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा रॉटवाइलर के लिए। रॉटवाइलर काफ़ी अग्रेसिव ब्रीड होती है। डॉग सब अच्छे होते हैं, पर दिक्कत यह है कि हम फर्स्ट टाइम अगर डॉग बाय कर रहे हैं तो हम वो ब्रीड पालें जिसका नेचर फ्रेंडली हो। अगर हम रॉटवाइलर ले लेंगे ना, तो ये हमें कब हमें नहीं पता कि हमारे पर कब अटैक कर दे। अगर आप फर्स्ट टाइम रॉटवाइलर बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है रॉटवाइलर आप ख़रीदें। रॉटवाइलर अगर आप बाय कर रहे हैं तो कम से कम आपका थर्ड डॉग हो रॉटवाइलर, थोड़ा एग्रेसिव ब्रीड है ये, आप पे खुद ये अपने मालिक पे भी अटैक कर सकती है। वैसे अच्छी ब्रीड है बट कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। फोर्थ जो ब्रीड है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अमेरिकन बुली। इसमें 4 साइज़ आते हैं, माइक्रो साइज़, पॉकेट साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ और एक्सेल साइज़। तो ये बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। आप इसको घर में बहुत आराम से सकते हो। आप अगर ये इतनी अच्छी ब्रीड है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना, इसके मुंह में हाथ डाल देगा ना, जब भी कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई बाहर का बंदा अगर आपके घर में आ रहा है तो इसको देख के डरेगा, बट ये अटैक नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी ब्रीड है, आप मतलब ये लगा लो मीडियम ब्रीड में 100% रिकमेंडेड ब्रीड है अमेरिकन बुली। इसको आप आँख बंद करके ख़रीद सकते हो। इसकी आप बॉडी जिमिंग भी करा सकते हो, इसके बॉडी पे फुल कट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्दी और बहुत थोड़ा डेंजरस लगता है, बट ये बहुत फ्रेंडली ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है, 100% रिकमेंडेड है ये, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं देगा। सेकंड जो ग्रुप है स्मॉल ब्रीड का, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिया स्पिट्स, फिर पग और तीसरा है शिह ट्ज़ू। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिट्स के बारे में। हम इसको मोस्टली पोमेरियन के नाम से जानते हैं, पर पोमेरियन अलग ब्रीड है और स्पिट्स अलग ब्रीड है। हम जिस ब्रीड को इंडिया में मोस्टली पालते हैं, जो हमारे बजट में नॉर्मली आती है, वो है स्पिट्स, यही वाली जो आप फीड फोटो में देख पा रहे हैं। ये ब्रीड तो अच्छी है, बट इसके साथ 2-3 नुकसान भी हैं। ये किसी को भी देख के बहुत ज़्यादा भौंकता है ये डॉग, और इसके बाल भी थोड़े क्या कहते हैं बहुत झड़ते हैं, और ये बहुत डेलिकेट ब्रीड है, ये बीमारियाँ जल्दी पकड़ लेता है। अगर कोई भी खांसी जुकाम या फिर लूज मोशन होंगे तो ये काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है। तो आपके ऊपर है, अगर आप रखना चाहें तो वास्ते मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। सेकंड जो ब्रीड है स्मॉल टाइप में वो है पग। इसको हम वोडाफोन डॉग के नाम से भी जानते हैं। ये अच्छी ब्रीड है, काफ़ी अच्छी ब्रीड है। आप इसको अगर फर्स्ट टाइम आप सोच रहे हैं कि मैं इसे रख लूँ, तो ये आप आराम से रख सकते हैं। ये आपको 10 से 12 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा डॉग। पॉकेट फ्रेंडली डॉग है,
आप इसको घर के अंदर रख सकते हैं, अगर आपको छोटा घर है तो भी आप इसको रख सकते हैं। इसका बिल्कुल एग्रेसिव नेचर नहीं होता। अगर आप डॉग को बांध के नहीं रखते तो डॉग कभी एग्रेसिव नहीं बनेगा, आपको चाहे कोई भी ब्रीड हो। तो ये काफ़ी अच्छा, आप इसको मतलब रेकमेंडेड है ये डॉग। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मैं इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है थोड़े बाल, अगर आपके घर में सोफे वगैरह हैं तो ये थोड़े बाल गिराएगा। बाकी 100% इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी ब्रीड है, आप इसको 100% आप रख सकते हो। थर्ड जो ब्रीड है शिट ज़ू, स्मॉल टाइप में हम उसकी बात करेंगे। अब आप फोटो में देख पा रहे होंगे बहुत क्यूट डॉग है, बहुत अच्छा डॉग है। इसका वाइट और ब्लैक और ब्राउन कलर में आता है, प्योर वाइट भी आता है इसमें, बट वाइट और ब्राउन और ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। ये डॉग जितने इसके बाल दिख रहे हैं आपको इसकी बॉडी पे, इसके बाल नहीं गिरते। अगर आपके घर में सोफ़ा है कुछ है, इसके बाल नहीं गिरते। बस इसके थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, जैसे आँखों पर बाल आ जाते हैं तो उसके आँख के बाल कटवाने पड़ेंगे, आँख के ऊपर बाल आ जाते हैं, फेस पे बाल आ जाते हैं, मुंह के ऊपर, तो बाल कटवा। बाकी ब्रीड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ब्रीड है। आपको इसको अब बच्चा 15 से 20 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी ब्रीड है। आप इसको आँख बंद करके खरीद सकते हैं, बिल्कुल भी अग्रेसिव नेचर नहीं है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, बच्चे आराम से रख सकते हैं इसको। थर्ड जो टाइप है वो है लार्ज ब्रीड, और जो सबसे लास्ट है इसमें हमने 3 डॉग ब्रीड्स को कंसिडर करा है। फर्स्ट है ग्रेट डेन, सेकेंड है बुल मैस्टिफ एंड थर्ड है सेंट बर्नार्ड। थर्ड जो टाइप है लार्ज ब्रीड की, जो फर्स्ट टाइम जो डॉग बाय कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं है, बट जो लोग सोचते हैं कि हम लार्ज ब्रीड रखें तो उनके लिए मुझे ये ऐड करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं ग्रेट डैन। ग्रेट डैन में आपको 3 कलर मिलेंगे, फॉन, ब्लैक और ब्रिंडल। ये ब्रीड जो है ये, इसकी हाइट काफ़ी होती है, ये टॉलेस्ट ब्रीड है सब डॉग ब्रीड में, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रीड है वो ये ग्रेट डैन ही है। और ये इस ब्रीड के बारे में आपको बता दूँ, ये थोड़ा जो बड़ी ब्रीड होती है इनमें थोड़ा एग्रेशन होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जो डॉग पाल रहे हैं आप लार्ज ब्रीड बिल्कुल ना पालें, क्योंकि इनमें एग्रेशन नेचुरली होता है, बाय बर्थ होता है। अगर आपको डॉग नहीं पालना आता तो आप फर्स्ट टाइम लार्ज ब्रीड ना रखें, क्योंकि ये इनका थोड़ा अलग तरीके से रखना होता है इन डॉग्स को। अगर आप फर्स्ट टाइम पाल लेंगे तो आप पर अटैक कर सकते हैं। सेकंड जो ब्रीड है जो लार्ज ब्रीड में से हमने कंसीडर करा है वो है बुल मैस्टिफ। ये काफ़ी अच्छी ब्रीड है, इसे मैंने पर्सनली ओन करा है, 3 से 4 साल या 5 साल मैंने इसको रखा है। ब्रीड डॉग ब्रीड कोई बुरी नहीं होती, सब डॉग ब्रीड अच्छी होती है, बस आपको पालना आना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप डॉग बाय कर रहे हो तो आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं करनी चाहिए ये बड़ी ब्रीड, क्योंकि ये थोड़ा इनमें एग्रेशन होता है, क्योंकि ये जहाँ गलती करते हैं इन्हें डांटना पड़ता है। अगर आप इन्हें डांटेंगे नहीं ना तो ये आप पे उल्टा अटैक करेंगे थोड़े बड़े होने के बाद। तो इसलिए बाकी ब्रीड बहुत अच्छी है, इसमें आपको 2 या 3 कलर मिल जाएंगे, एक फॉन और एक रेडिश एप्रिकॉट कलर मिल जाएगा आपको। थर्ड जो लार्ज ब्रीड जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सेंट बर्नार्ड। आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये डॉग होता तो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा होता है, ये काफ़ी हेल्दी डॉग होता है। इसके जो फर होता है काफ़ी हैवी फर होता है। अगर हम सोचें कि दिल्ली या गुड़गांव जैसे एरिया में रख लें तो ये इसको थोड़ा मुश्किल होता है रखने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत हॉट वेदर है। इसको 100% इसको ना एसी चाहिए, वरना ये आपको ये परेशान कर देगा और खुद भी परेशान होगा ये डॉग। इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है। अगर आप इसको 100% एसी में रख सकते हो तो ये अच्छी ब्रीड है। और ये काफ़ी लेज़ी ब्रीड है, इसमें लेज़ीपन बहुत ज़्यादा है और एग्रेशन भी होता है इस ब्रीड में। अगर आप इसे कहोगे ना हे टॉमी कम हेयर तो ये आएगा भी नहीं, ये वहीं बैठा रहेगा, इसमें काफ़ी लेज़ीपन होता है। तो भाई हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए और आप बताइए आपको किस बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उस बारे में वीडियो आएगी। थैंक यू गाइज़।